गुड इवनिंग देखिए यहाँ पर एनालिसिस ऑफ ईएसपी एंड इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज इस पर एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है और इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे तो ये चीज देखिए इसमें आप पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन मेन कॉन्सर्न ऑफ ईएसपी ईएसपी मींस इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश इसके साथ में इंग्लिश फॉर एकेडमिक परपजेज शॉर्ट में ईएपी नेक्स्ट है इंग्लिश फॉर द वर्क प्लेस इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज ये सेवन्थ नंबर पर है बट इसको लास्ट में कवर किया जाएगा थीसिस सिस और इंग्लिश फॉर टूरिज़्म परपज ई टेक्निकल इंग्लिश लीगल इंग्लिश बिजनेस इंग्लिश और साइंटिफिक इंग्लिश तो देखिए यहाँ पर इंग्लिस फॉर प्रोजेक्ट सॉरी इंग्लिश फॉर साइंटिस्पेसिफिक परपजेज ई एस पी है ई एस पी मीन्स इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक परपजेज सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है ई एस पी इज द टीचिंग ऑफ इंग्लिश फॉर एनी परपजेज डेट कुड बी स्पेसिफाइड एस पी जो है इंग्लिश का टीचिंग है टीचिंग ऑफ इंग्लिश है जिसको ऐसे किसी परपज के लिए यूज किया जा सक यूज किया जाता है जो जिनको स्पेसिफाई जिनको स्पेशल बनाया जा सके है ना एक स्पेसिफिक परपज में यूज किया जाता है इट इज़ आल्सो द टीचिंग ऑफ इंग्लिश यूज इन एकेडमिक परपजेज देखिए ई एस को एकेडमिक परपज में भी यूज किया जाता है और इसके साथ में नेक्स्ट देखिए एंड यूज फॉर वोकेशनल और प्रोफेशनल परपजेज और इनको वोकेशनल या प्रोफेशनल परपज के भी सेंस में यूज किया जाता है ई एस पी प्रोवाइड्स इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल लैंग्वेज ट्रेनिंग देखिए ई एस पी जो होता है ये इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल लैंग्वेज ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराता है ई एस पी मस्ट बी डिजाइंड टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ लर्नर्स यस को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि लर्नर्स की स्पेसिफिक नीड्स को कंप्लीट कर सके एस पी हेल्प्स द लर्नर्स इन डिफरेंट डिस पी जो है लर्नर्स को डिसप्लिन में भी हेल्प करता है इट हेल्प्स लर्नर्स टू एक्सेस द इकोनॉमिकल फील्ड एंड फाइंड इफेक्टिव पेड एम्प्लॉयमेंट एस पी यूजेज ऑथेंटिक वर्क विद स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल्स एसपी जो है ऑथेंटिक वर्क को यूज करता है जिसमें स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल्स का यूज किया जाता है इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेन कॉन्सर्न ऑफ ए एस पी एस पी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक परपज का मेन कॉन्सर्न क्या है द मेन कॉन्सर्न ऑफ ए एस पी इज ऑल अबाउट द एक्टिविटीज मूवमेंट्स एंड सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू एस का जो मेन कॉन्सर्न है ये इसके एक्टिविटीज मूवमेंट्स और सब्जेक्ट्स ये सब रिलेटेड होते हैं दो चीज से वन ऑक्युपेशनल पर्पजेज इंग्लिश फॉर ऑक्युपेशनलज मीनस ई ओ पी एंड सेकेंड स्टडी पर्पजेज इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज ई ए पी नोट जनरली द स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश नॉट बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कल्चर बट बिकॉज दे नीड इंग्लिश फॉर स्टडी और वर्क परपजेज जनरली जो स्टूडेंट्स इंग्लिश का स्टडी करते हैं वो इसलिए नहीं स्टडी करते हैं कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश इंग्लिश कल्चर में इंटरेस्टेड है बल्कि वो इसलिए इंग्लिश की स्टडी करते हैं क्योंकि उनको स्टडी या वर्क परपज में इंग्लिश की नीड होती है नेक्स्ट आते हैं देखिए डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ई एस ई की डिफरेंट ब्रांचेज हैं कौन कौन सी हैं ई एस टी इंग्लिश फ़ॉर सोशल एंड टेक्नोलॉजी ई बी ई इंग्लिश फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स ई एस एस फॉर सोशल स्टडीज ई ए पी इंग्लिश फॉर एकेडमिक परपजेज ई ओ पी इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल परपजेज ई टी एस इंग्लिश फॉर टेक्नीशियंस परपजेज एंड ई एम एस इंग्लिश फॉर मेडिकल स्टडीज नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश इंग्लिश की डिफरेंट टाइप्स होती हैं यू कैन सी अकेडमिक इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश कॉम्पिटिशन इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश हाइपर इंग्लिश बिजनेस इंग्लिश टेक्निकल इंग्लिश साइंटिफिक साइंटिफिक इंग्लिश एंड लीगल इंग्लिस नेक्स्ट टूरिज्म इंग्लिश इंग्लिश फॉर टूरिज्म पर्पज़ and english on the workplace and english for thesis and dissertation writing okay come on the first topic eap english for academic purpose english for academic purposes means eap commonly known as academic english english for academic purpose go commonly academic english in short you can say इन टेल्स ट्रेनिंग स्टूडेंट यूजली इन हायर एजुकेशन सेटिंग टू यूज लैंग्वेज अप्रोप्रिएट फॉर स्टडी ये जो ई ए पी है ये ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को इंस्टेल्स करता है जो कि हायर एजुकेशन सेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो स्टडी के लिए लैंग्वेज को अप्रोप्रियट रूप से यूज कर सके इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ पी ये, का एक मोस्ट कॉमन फॉर्म्स में से एक है ये पी जाल्सो कोर्स फाउंड इन टाफे इन ऑस्ट्रेलिया एस को ऑस्ट्रेलिया में एक टाफे टी एफ ई नेम के कोर्स से पाया जाता है टाफे मीन्स टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन टी फॉर टेक्निकल ए फॉर एंड एफ फॉर फ्रदर एंड ई फॉर एजुकेशन टाफे इंस्टीट्यूट्स आर गवर्नमेंट फाउंड रजिस्टर्ड ट्रेनिंग डेट ऑर्गेनाइजेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिलेटेड टू आई स्पेसिफिक इंडस्ट्री और ऑक्यूपेशन टाफी इंस्टीट्यूट्स जो होता ये, है ये गवर्नमेंट फाउंड रजिस्टर्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेश वोकेशनल एजुकेशन को ऑफर करती है और इसके साथ में इस्पेफिक इंडस्ट्री ऑक्यूपेशन रिलेटेड ट्रेनिंग को भी देती है नेक्स्ट ई ए पी इलास्ट्रेट्स ई ए पी इंस्ट्रक्शन सॉरी ई ए पी इंस्ट्रक्शन टीथ्स ई ए पी में आ, किस चीज़ पर फोकस किया जाता है वो कैबलरी ग्रामर एंड फोर स्किल्स पर फोर स्किल्स में आती हैं रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और प्रोनास एंड लिसनिंग ओके कंकलूजन कंक्लूजन की बात किया जाए तो एन ई ए पी टीचर्स इज टू द बेस्ट वे टू हेल्प स्टूडेंट्स विद एकेडमिक इंग्लिश एक जो ई ए पी टीचर्स होता है वो स्टूडेंट्स को एकेडमिक इंग्लिश के साथ हेल्प कर सकता है एन ई ए पी प्रोग्राम फोकस इंस्ट्रक्शन ऑन स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इन एन इंग्लिश स्पीकिंग एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट एक ई ए पी प्रोग्राम जो होता है वो स्किल्स को फोकस में करता है जो कि एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट के केस में स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके मीन्स इंग्लिश स्पीकिंग एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में जिस चीज जिस स्किल्स की रिक्वायर होती है उसको परफॉर्म कर सके अक्रॉस कोर सब्जेक्ट सब्जेक्ट रिलेटेड एरिया जनरली इनकाउंटर्ड इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेटिंग जो कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इनकाउंटर किया जाता है नेक्स्ट इंग्लिश फॉर द वर्क प्लेस दिस कोर्स ऑफ इंग्लिश लर्नर्स हेल्प्स यू टू डेवलप द लैंग्वेज एज यू नीड टू फाइंड अ जॉब एंड सक्सीड इन दर्क प्लेस जैसा कि अगर आपको वर्क प्लेस में सक्सेज होना या किसी जॉब को फाइंड आउट करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करना ही होगा और इंग्लिश फॉर वर्क प्लेस इसमें हेल्प करता है दिस कोर्स इज फॉर दोज पीपल हु आर लर्निंग इंग्लिश एंड आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट ये कोर्स जनरली ऐसे लोग के लिए होता है जो कि इंग्लिश को सीख रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करना चाह रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी और वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट के केस में इट विल हेल्प जॉब seekers एंड यंग प्रोफेशनल्स विद द इंग्लिश दे नीड ये जो जॉब सीकरस और यंग प्रोफेशनल्स को इंग्लिश में हेल्प करता है जैसा कि ये चीज़ उनको नीड होती है यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एट वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल कन्वर्सेशन इंग्लिश दीज कोर्स हैव बिन स्पेशली डिजाइन विद योर वर्किंग लाइफ इन माइंड किसी वर्क प्लेस में इंग्लिश का यूज करना जनरल कन्वर्सेशन इंग्लिश से अलग दिखाता है और ये कोर्स स्पेशली जो है वर्क पर्पस से ही डिजाइन किया गया है इट इनेबल्स बेटर कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स एंड कलीग्स एंड आल्सो हेल्प टू वर्क एफिक्टिवली विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स ये जो है यानी कि इंग्लिश फॉर द वर्क पर्पस ये एक क्लाइंट्स के साथ या कलीग्स के साथ एक बेटर कम्युनिकेशन को इनेबल कराता है और साथ ही ये जो है लोगों के साथ इफेक्टिव रूप से डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ इफेक्टिव रूप रूप से काम करने के बारे में भी काम करना भी जो है कंफर्टेबल फील करवाता है इट बिल्ड्स सॉलिड रिलेशनशिप्स एंड रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन और ये जो है एक सॉलिड रिलेशनशिप्स क्लाइंट्स कस्टमर्स के बीच सॉलिड रिलेशनशिप्स को बिल्ड कराता है और फ्रस्ट्रेशन को रिमूव करता है इंग्लिश इज़ द मोस्ट यूज लैंग्वेज इन दर्क प्लेस वर्क प्लेस में मोस्ट यूज लैंग्वेज के रूप में सामने आने वाली लैंग्वेज है तो वो है केवल इंग्लिस इट इज़ स्पोकन इन नाइन्टी फोर कंट्रीज बाई आलमोस्ट थ्री थ्री नाइन मिलियन नेटिव इस्पीकर्स इंग्लिश को थ्री हंड्रेड थर्टी नाइन मिलियन नेटिव स्पीकरस के द्वारा थर्टी नाइन्टी फोर कंट्रीज़ में इस्पीक किया जाता है इसको बोला जाता है इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ट्वेंटी मोस्ट रिलेवेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग इट अ वेरी वाइड स्प्रेड लैंग्वेज इंग्लिश को ट्वेंटी मोस्ट रिलेवेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया है और इस तरह से ये बहुत ही वाइड स्प्रेड लैंग्वेज के रूप में सामने आ गई है नेक्स्ट थीसिस थीसिस लॉन्ग एकेडमिक पेपर्स है अ फाइनल प्रोजेक्ट प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर ऑप्टेनिंग अ यूनिवर्सिटी डिग्री थीसिस एक लॉन्ग एकेडमिक पेपर्स होता है जिसको एक फाइनल प्रोजेक्ट के रूप में सबमिट किया जाता है यूनिवर्सिटी डिग्री ऑप्टेन करने के लिए फॉर थीसिस यू हैव टू टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी थीसिस के लिए आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है

और थीसिस का रिव्यू कॉमिटी मेंबर्स और थीसिस के सुपरवाइजर के द्वारा किया जाता है थीसिस इज अ लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट यूजुअली नो वर्ड्स लिमिट थीसिस एक लॉन्ग और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स होता है यूजुअली जिसमें वर्ड्स लिमिट नहीं होती है नेक्स्ट थीसिस इज कम्प्राइज ऑफ चैप्टर एंड कंटेंट्स थीसिस को जब कम्प्राइज किया जाता है तो चैप्टर्स और कंटेंट्स की हेल्प से इसको कंप्राइज किया जाता है ऑल फाइंडिंग्स आर प्रेजेंटेड इन थीसिस जो भी आपने रिसर्च फाइंडिंग्स किया रिसर्च में जो भी आपको फाइंडिंग्स मिला उन सबको थीसिस में प्रेजेंट करते हैं ओके नेक्स्ट कम ऑन डिजर्टेशन आर डिजर्टेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिजर्टेयर विच मीन्स टू डायट डिजर्टेशन लैटिन वर्ड डिजर्टेयर से बना हुआ है इट मीन्स टू डायलेट जिसका मतलब होता है डायलेट करना आ डिजल्टन इज अर डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ कैंडिडेटर फॉर एन एकेडमिक डिग्री और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रजेंटिंग रिसर्च एंड फाइंडिंग्स। डिजल्टेसन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कैंडिडेटर के सपोर्ट में सबमिट किया जाता है एकेडमिक डिग्री के लिए या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए और ये जो है ऑथर्स की रिसर्च और फाइंडिंग्स को प्रजेंट करता है इन इंडिया ड्यूरिंग कम्प्लीसन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएसन कोर्सेज सच है जे एमएम एम एस सी विद एक्सेप्शन ऑफ एम फिल इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएसन कोर्स को पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएसन कम्प्लीट करने के दौरान जैसे एम एम कॉम एम एस सी एम फिल को छोड़कर इन सब को कम्पलीट करने के दौरान बी नीड टू सबमिट हमें सबमिट करने की नीड होती है फर्स्ट इज डिजर्टेशन एक एंड सेकेंड प्रोजेक्ट आ वर्किंग मॉडल ऑफ एंड इनोवेशन और एक प्रोजेक्ट जो कि एक इनोवेशन का एक वर्किंग मॉडल होता है द रिसर्च वर्क इन दिजल्ट ओरिजिनल में दिखाया है सुड बी ओरिजिनल वो ओरिजिनल होना चाहिए ओरिजिनलिटी डज नाट मीन डेट द रिसर्च है यहां ओरिजिनलिटी का मतलब ये नहीं कि जो आपने रिसर्च किया वो इसके पहले किया ही नहीं गया हो बट इट इज इम्पोर्टेंट लेकिन यहाँ पर ये यह बात इम्पोर्टेंट है ये बात ध्यान रखने वाली है डेट द एक्सपेरिमेंट हैज बीन कैरिड बाई यू कि एक्सपेरिमेंट आपके ही द्वारा किया गया हो एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन योर रिजल्ट और यह आपके रिजल्ट पर बेस्ड होना चाहिए एंड मैथडोलॉजी आपके रिजल्ट और मैथडोलॉजी पर बेस्ड होना चाहिए योर रिपोर्ट ऑन योर डिजर्टेशन जो भी आप अपने डिजर्टेशन में रिपोर्ट करते हो डेट शुड बी बेस्ड ऑन योर रिजल्ट एंड मेथडोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंटली द स्टूडेंट शुड अवॉइड कॉपी राइट इनमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि स्टूडेंट्स को जो है कॉपी राइट इन फ्रिंगमेंट को अवॉइड करना चाहिए दे कैन नाट कॉपी वर्क फ्रॉम अदर वो दूसरे सोर्स से कॉपी नहीं कर सकते हैं सो दे शुड भी केयरफुल वाइल राइटिंग डिजर्टेशन इसलिए उन्हें डिजर्टेशन लिखते समय केयरफुल रहना चाहिए इफ़ द स्टूडेंट्स आर नीडेड टू कॉपी सम स्टूडेंट्स रिजल्ट और फैक्ट्स अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी चीज की कॉपी करने की किसी फैक्ट्स की कॉपी करने की नीड है देन ही आर सी नीड टू स्पेसिफाई ऑन देयर रेफरेंस तब उसको जो है वो कॉपी कर सकता है लेकिन उसको उसके उसको वो एक रेफरेंस के साथ कॉपी करेगा उसके साथ में रेफरेंस लिखेगा कि कहाँ से उसने कॉपी किया है डिजर्टेशन लेंथ अराउंड 100 टू 150 पेजेज डिजर्टेशन जिसकी लेंथ होती है 100 से 150 के अराउंड होते समरी ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर वो एक पार्टिकुलर एग्जिस्टिंग लिटरेचर का समरी देता है वाइल थी नो स्पेसिफिक लेंथ बट अराउंड 200 टू 300 हंड्रेड पेजेज जिसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती है लेकिन ये लगभग 200 से 300 पेज का हो सकता है इस द प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ द हाइपोथेसिस ड्यूरिंग इंटरनल प्रेजेंटेशन ये जो इंटरनल प्रेजेंटेशन के दौरान जो है एक हाइपोथेसिस दिया गया नाउ लेट्स सी डिजर्टेशन थीसिस आर यूज्ड इंटरचेंजेबल ऑल ओवर वर्ल्ड यूएस की बात किया जाए तो यूएस में थीसिस यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए देना पड़ता है और डिजर्टेशन डॉक्टरेट डिग्री के लिए डिजर्टेशन राइटिंग डिजर्टेशन प्रेजेंट करना पड़ता है यूके लंदन में डॉक्टरेट डिग्री के लिए थीसिस देना पड़ता है बट पीजी एंड यूजी डिग्री के लिए डिजर्टेशन देना पड़ता है लिखना पड़ता है इंडिया में पीजी डिग्री एम को इंक्लूड करते हुए और डॉक्टरेट डिग्री यानी कि पीजी डिग्री इंक्लूडिंग एम फिल एंड डॉक्टरेट डिग्री के लिए थीसिस देना पड़ता है और यूजी एंड पीजी एक्सेप्ट एम फिल एम को छोड़कर यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए डिजर्टेशन देना पड़ता है इंडिया में इफ़ आई टॉक अबाउट लेंथ ऑफ द डिजर्टेशन देन इफ ईच पेज हैज फिफ्टीन हंड्रेड वर्ड्स अप्रॉक्स अगर एक पेज में पंद्रह सौ वर्ड आते हैं देन अंडर ग्रेजुएट के लिए जो डिजर्टेशन की लेंथ होना चाहिए वो होना चाहिए फोर्टी टू फोर्टी फाइव पेजेज मीन्स सिक्सटी फाइव थाउजेंड टू सेवेंटी थाउजेंड वर्ड्स पैंसठ हज़ार से सत्तर हज़ार शब्द होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नाइन्टी थाउजेंड टू वन लैक वर्ड्स अराउंड सिक्सटी टू सेवनटी पेजे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नब्बे हजार से एक लाख वर्ड्स होना चाहिए या साठ से सत्तर पेज का होना चाहिए डिजल्टेसन पी के लिए वन लैखी फाइव थाउजेंड टू टू लैक वर्ड्स अराउंड नाइन टू वन थर्टी पेजेज पी डिग्री के लिए एक लाख पैंतीस हजार से दो लाख वर्ड्स होने चाहिए लगभग नब्बे से एक सौ तीस पेज का डिजर्टेशन होना चाहिए इतनी लेंथ उसकी होनी चाहिए नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन डिजर्टेशन एंड थीसिस लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन डिजर्टेशन एंड थीसिस डिजर्टेशन नीड टू बी प्रिपेयर फॉर बैचलर डिग्री सच एज बी ए बी कॉम बी एस सी एक्सेट्रा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सच सी एक्सेप्ट डिजर्टेशन जो है बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए जरूरा हो जरूरत होती है इसकी सॉरी जरूरा फॉर दॉरी डिजल्टसन जो है बी uh, ए यानी कि बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए कंपलसरी होता है लेकिन एम फिल को छोड़कर थीसिस नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कम्पलीसन ऑफ एम फिल एंड पी एच डी डिग्री जबकि थीसिस जो है एम फिल और पी एच डी डिग्री को कम्प्लीट करने के लिए थीसिस की नीड होती है इन डिजल्टेसन द रिसर्च रिलेटेड कंटेंट शुड बी ओरिजिनल हाउ एवर द डिजाइन एंड मेथडोलॉजी रिलेटेड टू द टॉपिक कैन बी टेकन फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिसर्च डिजर्टेशन में जो रिसर्च रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए ओरिजिनल होना चाहिए और इसके साथ में डिजाइन और मैथेडोलॉजी वो टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए एग्जिस्टिंग रिसर्च से ही लिया जाना चाहिए उसको इन थीसिस विद द रिसर्च रिलेटेड कंटेंट द रिसर्च डिजाइन एंड मैथेडोलॉजी शुड बी यूनिक थीसिस में जो रिसर्च रिलेटेड कंटेंट होते हैं रिसर्च होते हैं डिजाइन होते हैं मैथेडोलॉजी होने होते हैं ये सारे यूनिक होने चाहिए थ्रू डिजर्टेशन द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट इज डेटर माइंड डिजर्टेशन के थ्रू कैंडिडेट का जो सब्जेक्ट के प्रति नॉल नॉलेज है या जो उसके अंडरस्टैंडिंग है ये चीज डेटरमाइंड होना चाहिए सेम परपोर्सन में थ्रू थी सज द स्टूडेंट सब्जेक्ट नॉलेज एंड एबिलिटी टू परफॉर्म इंडिपेंडेंट रिसर्च इज डेटर माइंड थीसिस के थ्रू जो स्टूडेंट का सब्जेक्ट नॉलेज है और उस चीज़ को परफॉर्म करने के इंडिपेंडेंट रिसर्च को परफॉर्म करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए द लेंथ ऑफ डिजर्टेशन इज अराउंड टू वन हंड्रेड टू वन हंड्रेड फिफ्टी की जो लेंथ होती है लगभग सौ से एक सौ पचास पेज का होना चाहिए इन देंस ऑफ थीसिस देयर इज नो स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द थीसिस थीसिस की कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती है बट इट कैन भी अराउंड टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड पेजेस लेकिन थी जो है टू हंड्रेड से थ्री हंड्रेड पेजिस का हो सकता है डिजर्टेशन गिव्स द समरी ऑफ द एग्जिटिंग लिटरेचर डिजर्टेशन जो एग्जिटिंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर का एक समरी देता है वाइल थीसिस इज द प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ द गिवन हाइपोथीसिस ड्यूरिंग इंटरनल थीसिस होता है दिए गए हाइपोथेसिस इंटरनल प्रेजेंटेशन के दौरान दिए गए हाइपोथेसिस का ही प्रैक्टिकल प्रूफ होता है ओके एम्पायरिकल डिजर्टेशन दिस इज द वन टाइप ऑफ डिजर्टेशन इम्पायरिकल डिजर्टेशन इज बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग डेटा बाय सर्वे और थ्रू साइंटिफिक डेटा कलेक्शन मेथड्स देखिए सर्वे के द्वारा या साइंटिफिक डेटा कलेक्शन मेथड के द्वारा जो डेटा को कलेक्ट करना होता है उस डिजर्टेशन को कहते हैं इम्पायरिकल डिजर्टेशन वाइल नॉन इम्पायरिकल डिजर्टेशन इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग रिसर्च हेयर नो ओरिजिनल डेटा इज बींग एडेड जबकि एग्जिस्टिंग रिसर्च पर बेस्ड जो डिजर्टेशन होता है उसे कहते हैं नॉन एम्पायरिकल डिजर्टेशन इंग्लिश फॉर टूरिज्म पर्पज ई टी पी ई टी पी मीन्स इंग्लिश फॉर टूरिज़म परपज़ इंग्लिश इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन इंटरनेशनल टूरिज्म इंटरनेशनल टूरिज्म केस में जो कम्युनिकेशन की प्राइमरी लैंग्वेज है वो इंग्लिस है प्रोफेशनल्स इन द टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री शुड वी वेल वर्सड इन इंग्लिश टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल्स होने चाहिए वो इंग्लिश में वेल well वर्स्ड होनी चाहिए द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवलिंग टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कैन बी डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय द इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच इज़ वाइडली यूज लैंग्वेज इन द इंटरनेशनल सीन टूडे देखिए जो ट्रैवलिंग टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का रैपिड इन इस फील्ड में रैपिड डेवलपमेंट अगर हो रही है किसी लैंग्वेज का तो वो है इंग्लिश का इन सबको इंग्लिश के द्वारा डायरेक्टली इम्पैक्ट किया जा सकता है और ये जो एक इंटरनेशनल सीन एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड लैंग्वेज के रूप में सामने आती है ये चीज और इसके बाद में देखिए इंग्लिश फ़ॉर टूरिज़्म प्रोवाइड्स क्वालिटी सर्विसेज इंग्लिश फ़ॉर टूरिज्म जो है एक क्वालिटी सर्विस को प्रोवाइड कराता है इम्प्लॉयज़ इन द टूरिज़्म सेक्टर आर फुली अवेयर ऑफ़ हाउ इसल इट इज़ टू स्पीक विद द गुड कमांड ऑफ दिस टाइप ऑफ इंग्लिश इन दियर वर्क प्लेस अब ये जो है टूरिज़्म के सेक्टर में जो इम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें जो हैं इंग्लिश के प्रति फुल अवेयर होना चाहिए इस पर गुड कमांड होना चाहिए कि इसको किस तरह से एक अच्छे तरीके से ए, गुड मैनर में यूज करना आना चाहिए क्लियर है अकॉर्डिंग टू डैन टू थाउजेंड वन वोकेबलरी यूज फॉर टूरिज्म इज स्पेशल एंड कन्वेज मैसेज यूजिंग अ कन्वेंशनल सिम्बल सिस्टम एंड कोड देखिए डैन के अनुसार जो टूरिज्म के सेक्टर में जो वोकेबलरी यूज की जाती है स्पेशल होनी चाहिए और जो है कन्वेंशनल सिस्टम कोड की हेल्प से जो मैसेज को कन्वे किया जाना चाहिए आ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी हॉस्पिटैलिटी सेटिंग सच ए चेकिंग इन टू अ होटल रिक्वेस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग टूरिस्ट इंफॉर्मेशन आस्किंग क्वेश्चन अबाउट होटल फैसल्टीज देखिए इस सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी सेटिंग में किसी भी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक कई सारे नंबर आप कम्युनिकेशन किए जा सकते हैं डेट इज बेस्ड ऑन जो कि बेस्ट होते हैं लाइक सच एज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन चेकिंग इन टू होटल जैसे होटल में चेक करना रिक्वेस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग टूरिस्ट इंफॉर्मेशन टूरिस्ट इंफॉर्मेशन टूरिस्ट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है उनसे रिक्वेस्ट करना है किसी चीज़ के लिए आस्किंग क्वेश्चन एंड होटल फैसिलिटीज क्वेश्चन पूछना होटल फैसिलिटीज इन सबसे रिलेटेड लर्निंग ई टी पी प्रोवाइड्स पीपल विद द नेसेसरी लिंग्विस्टिक टूल्स फॉर वर्किंग इन वेरियस सेक्टर होटल ट्रैवल एजेंसीज रेस्टोरेंट्स टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड मोटेल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लेसेस डीलिंग विद गेस्ट होस्ट रिलेशंस देखिए ई टी पी को सीखना जो है ये कई एक नेसेसरी लिंग्विस्टिक टूल्स के साथ लोगों को एक प्रोवाइड कराता है जैसे डिफरेंट सेक्टर में जैसे होटल के सेक्टर में ठीक है ट्रैवल एजेंसीज के सेक्टर में रेस्टोरेंट्स के सेक्टर में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेक्टर और मोटल्स इन सब के फील्ड में जो है गेस्ट होस्ट रिलेशंस के रूप में इंग्लिश से ही डील किया जाता है इट इज़ एडवाइजेबल टू डेवलप आई स्पेसिफिक करिकुलम फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंग्लिश बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऐसा एडवाइस किया जाता है कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के क्वेश्चन है ना डिफरेंट सेक्टर पर बेस्ट होते हैं डिफरेंट टाइप पर बेस्ट होते हैं लाइक इंग्लिश फॉर फूड एंड बेवरेज सर्विसेस फर्स्ट है इंग्लिस फॉर फूड एंड बेवरेज सर्विसेज सेकेंड इंग्लिश फॉर एयर फ्लाइट सर्विसेज एयर फ्लाइट सर्विसेज के लिए इंग्लिस क्या होती है इंग्लिश फॉर होटल सर्विसेज एंड इंग्लिश फॉर टूर मैनेजमेंट गाइड्स सो फोर थिंग्स हैं बाकी और हैं लेकिन फोर थिंग्स फोर चीज़ों पर बेस्ट क्वेश्चन होते हैं इंग्लिस फॉर इंग्लिश फॉर फूड एंड बेबेयर सर्विस इंग्लिश फॉर एयर फ्लाइट सर्विसेज इंग्लिस फॉर होटल सर्विसेज इंग्लिस फॉर टूर मैनेजमेंट गाइड्स लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ई टी पी कैन बी डन यूजिंग टेक्सट एज द लर्निंग मेटेरियल इट कैन बी वैलेबल रिसोर्सेज फॉर इम्प्रूविंग रीडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स देखिए ये जो है इंग्लिश रीडिंग को या इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का एक बहुत ही वैल्यूबल सोर्स है इंग्लिश फॉर टूरिज्म और इन शॉर्ट टूरिज्म इंग्लिस नेक्स्ट टेक्निकल इंग्लिस इट इज लैंग्वेज स्टाइल डेट इनेबल्स अकूरेट एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन विद इन एंड बेटमिन इंडस्ट्री देखिए टेक्निकल इंग्लिश एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज स्टाइल्स होती है जो कि एक जो है एक्यूरेट और एफिशिएंट रूप से कम्युनिकेशन करना सिखाता है डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियोज इंडस्ट्रीज के बीच में टेक्निकल लैंग्वेज ऑफन कॉल्ड जॉर्जॉन टेक्निकल लैंग्वेज को जनरली जॉर्जॉन भी बोला जाता है इज स्पेश बाई अ पार्टिकुलर प्रोफेशन एक पार्टिकुलर प्रोफेशन के द्वारा यूज किया जाने वाला एक स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी होती है इंडस्ट्री और ग्रुप पार्टिकुलर प्रोफेशन इंडस्ट्री या ग्रुप के द्वारा यूज किया जाता है इट्स प्राइमरी परपज़ इज़ टू कम्युनिकेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन एकटली एफिशिएंटली एंड अनएम्बिगसली देखिए इसका जो प्राइमरी जो टेक्निकल इंग्लिश का प्राइमरी पर्पज़ है वो ये है कि, कि किसी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करना वो भी सही सही एफिशेंटली एक बहुत ही बेहतर तरीके से एंड अन अम्बेगसली और जो है स्पष्ट तरीके से टेक्निकल इंग्लिश सिंप्लीफाइज द रेदर कॉम्प्लेक्स रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड रिप्लेस डिफरेंट टर्मिनोलॉजी विद सिंपलर सिनोनिम्स टेक्निकल इंग्लिश जो है कॉम्प्लेक्स रूल्स को एक स्टैंडर्ड इंग्लिश की कॉम्प्लेक्स रूल्स को और उसको सिम्प्लीफाइज कर देता है और जो कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी को एक सिंपलर सिनोनिम्स में रिप्लेस कर देता है इट रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टेक्स्ट एंड मेक्स द डॉक्यूमेंटेशन मच ईजियर फॉर रीडर्स टू अंडरस्टैंड और टेक्निकल इंग्लिश क्या करता है यह टेक्स्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है और रीडर्स को समझने के लिए एक ईजियर डॉक्यूमेंटेशन का यूज करता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश यहाँ टेक्निकल इंग्लिश के कुछ करेक्टेरिस्टिक्स हैं द एगजेक्ट रूल्स ऑफ सिम्पलीफाइड टेक्निकल इंग्लिश आर लेड आउट इन द एस डी एस टी ई हंड्रेड डिक्शनरी। देखे एग्जैक्ट रूल्स सिम्पलीफाइड टेक्निकल इंग्लिश एस टी ई के एग्जैक्ट रूल्स को ए एस डी एस टी हंड्रेड डिक्शनारी डिस्क्राइब करता है और वो है फर्स्ट इज अगर सेंटेंस है तो उसमें ट्वेंटी वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए और अगर डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है तो वहाँ ट्वेंटी मैक्सिमम होना चाहिए शुड कंटेन नो मोर देन सिक्स सेंटेंसेस पैराग्राफ में सिक्स सेंटेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एनी टाइप ऑफ स्लैंग और जॉर्जॉन जॉर्गॉन शुड भी अवॉइडेड किसी भी टाइप के स्लैंग या जॉर्जॉन को अवॉइड किया जाना चाहिए एक्टिव वॉइस इज प्रफरेबल नॉट पैस एक्टिव आइस प्रेफरेबल है और जबकि पैसिव पैसिइस को अवॉइड किया जाना चाहिए

यूज किया जाना चाहिए जहाँ भी इसकी ज़रूरत हो टेंसेज सिंपल टेंसेज लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस का यूज़ किया जाना चाहिए और सिंप्लीफाइज टेक्निकल टर्म्स का यूज किया जाना चाहिए सेंटेंस क्लियर और कंसाइज होना चाहिए डिस्क्रिप्शन डिटेल रूप से होना चाहिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए और इसका टोन ऑब्जेक्टिव और फ्रूटल होना चाहिए नेक्स्ट साइंटिफिक इंग्लिश साइंटिफिक इंग्लिश इट रिक्वायर्स द प्रिसाइज लैंग्वेज टू इंश्योर डेट द इंटेंडेड मीनिंग इज कन्वेड अकूरेटली देखिए साइंटिफिक इंग्लिश जो है ये प्रिसाइज लैंग्वेज को रिक्वायर करता है ठीक है जो ये इंश्योर कर सके कि जो भी मैसेज कन्वे किया गया है वो अक्यूरेटली है बिल्कुल सही सही रूप से कन्वे किया गया है अवाइड वेग एंड एनविगियस लैंग्वेज वेग और एनविगियस लैंग्वेज को अवॉइड किया जाना चाहिए यूज प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी टू डिस्क्राइब योर रिसर्च फाइंडिंग्स और जो है अपने जो भी आपने रिसर्च फाइंडिंग्स किया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी यूज किया जाना चाहिए यानी कि साइंटिफिक रूप से होना चाहिए इंग्लिश इज अनडाउटली द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक कम्युनिकेशन ऑफ इंटरनेशनल साइंस विद एन एस्टिमेटेड नाइन्टी एट परसेंट ऑफ ऑल साइंटिफिक पब्लिकेशन बीग रिटर्न इन दिस लैंग्वेज देखिए इंग्लिस इसमें कोई संदेह नहीं कि मॉडर्न साइंटिफिक कम्युनिकेशन इंटरनेशनल लेवल से जो मॉडर्न साइंटिफिक कम्युनिकेशन के रूप में प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में अगर कोई लैंग्वेज है तो वो है इंग्लिश है और आलमोस्ट नाइन्टी एट परसेंट साइंटिफिक पब्लिकेशन से सारे नाइन्टी एट परसेंट पब्लिकेशन्स जो हो रहे हैं साइंस के वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही हो रहे हैं इंग्लिश इज वाइडली कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ साइंस साइंस के डिफरेंट सेक्टर में यूज किए जाने की वजह से इंग्लिश को एक साइंटिफिक लैंग्वेज के भी रूप में कंसिडर किया जाता है एक वाइडली रूप से देखें तो वन ग्रोइंग रीजन इज टू डेवलप अ करियर इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस वर्ल्ड देखिए एक तो रीजन ये है कि साइंस और रिसर्च के फील्ड में जो है करियर को डेवलप करना ठीक है इंग्लिश की ही हेल्प से किया जा सकता है एंड इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस वर्ल्ड एंड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज़ यूज फॉर साइंस एंड रिसर्च पर्पज इज क्रूशियल फॉर दोज सिंग टू अचीव हायर इन द फील्ड हाईली इन द फील्ड ये कह रहे हैं साइंस के फील्ड में अगर आपको बहुत आगे जाना है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं साइंस ओपन इंट्रोड्यूस टेक्निकल वर्ड्स विद स्पेसिफिक मीनिंग्स यहाँ साइंस जो है अक्सर टेक्निकल वर्ड्स का यूज किया जाता है जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है एंड गिवसटिफिक मीनिंग टू वर्ड्स और वर्ड्स को एक साइंटिफिक मीनिंग देता है डेट मे हैव डिफरेंट यूसेज इन एवरीडे लैंग्वेज जिनको एवरीडे की लैंग्वेज का लैंग्वेज में एक डिफरेंट यूज होता है वन पीपल आर इंगेज इन साइंस द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन दे यूज ट्राइज टू बी मोर प्रिसाइज एंड कंसिस्टेंट और जब लोग साइंस के फील्ड में इंगेज हो जाते हैं तो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में वो ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज और कंसिस्टेंट टर्म्स का यूज करना जो कि साइंटिफिकली बिल्कुल करेक्ट होंकोरेट हों नेक्स्ट है आपका लीगल इंग्लिस लीगल इंग्लिस इट्स द टाइप ऑफ इंग्लिस यूज इन लीगल राइटिंग लीगल इंग्लिस इंग्लिस की वो टाइप होती है जिनको लीगल राइटिंग के परपज से यूज किया जाता है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल राइटिंग लीगल राइटिंग डिफरेंट टाइप का होता है एकेडमिक लीगल राइटिंग एज इन लॉ लॉ के फील्ड में जो एकेडमिक लीगल राइटिंग यूज किया जाता है जर्नल्स में यूज किया जाता है एंड जूरीडिकल राइटिंग इन कोर्ट जजमेंट्स और कोर्ट जजमेंट में जो जो रेडिकल लीगल राइटिंग यूज की जाती है और लेजिस्लेटिव लीगल राइटिंग आइज इन लॉज रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रेटाइज या जो लॉज रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रेटाइज में जो लीगल राइटिंग यूज की जाती है लैंग्वेज सॉरी लॉयर्स मस्ट बी राइटिंग क्लियर कंसाइज करेक्ट एंड कंप्लीट दीज फोर सी एस डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लीगल राइटिंग स्टाइल इन द यूनाइटेड स्टेट्स देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में लॉयर्स के लिए ये है कि लॉयर्स को अपने राइटिंग में फोर सी एस का यूज करना चाहिए फोर सी एस मीन्स क्लियर कंसाइज करेक्ट एंड कंप्लीट क्लियर कंसाइज करेक्ट एंड कंप्लीट बिकॉज दिस इज द कररेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लीगल राइटिंग गुड लीगल राइटिंग की जो एक गुड करेक्टरिस्टिक्स है वो है फोर्सियस क्लियर कंसाइज करेक्ट एंड कंप्लीट लीगल इंग्लिश है ड्राफ्टिंग ऑफ रिटन मेटेरियल इनक्लूडिंग देखिए लीगल राइटिंग जो है लीगल इंग्लिश पार्टिकुलर वहाँ पर रिलेवेंस होती है जहाँ पर इसको लीगल राइटिंग केस में डिफरेंट uh, टाइप के लीगल के सेक्शन में जैसे देखिए लीगल डॉक्यूमेंट्स में जैसे कॉन्ट्रैक्ट या लाइसेंसेस में कोर्ट प्लीडिंग्स में समन्स में ब्रीफ्स में ब्रीफ्स में जजमेंट्स में और लॉज में एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स एंड सब ऑर्डिनेट एक्ट्स या केस रिपोर्ट इन सब में और लीगल करिस्पॉन्डेंसीज एंड डेजिस्ट लेटर्स में इन सब में लीगल इंग्लिश का यूज किया जाता है लीगल इंग्लिश हैज़ ट्रेडिशनली बीन द प्रिजर्व ऑफ लॉयर्स फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज स्पेशली द यू एस द यूके आयरलैंड कैनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड केन्या एंड साउथ अफ्रीका विच हैव सुड कॉमन लॉ विच हैव सेड कॉमन लॉ ट्रेडिशंस अब लीगल इंग्लिश को जो है लॉयर्स के प्रिजर्व के रूप में ट्रेडिशनली जो इंग्लिश कंट्रीज जैसे इंग्लिश कंट्रीज में यूएस यू के आयरलैंड कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड किन्या साउथ अफ्रीका इन सब का एक प्रिजर्वर इन सबके लॉयर्स का प्रिजर्वर लैंग्वेज के रूप में भी माना गया है जिन्होंने इन सारे देशों ने एक कॉमन लॉ ट्रेडिशंस को शेयर किया है इन जनरल अ लीगल लैंग्वेज एज फॉर्मेलाइज लैंग्वेज बेस्ड ऑन लॉजिक रूल्स विच डिपर्स फ्रॉम द ऑर्डिनरी नेचुरल लैंग्वेज इन जनरल एक लीगल लैंग्वेज जो होता है एक फॉर्मेलाइज लैंग्वेज होता है जो कि लॉजिक रूल्स पर बेस्ड होता है और जो कि ऑर्डिनरी नेचुरल लैंग्वेज से डिफरेंट होता है एम्ड टू अचीव कंसिस्टेंसी वैलिडिटी कम्प्लीटनेस एंड साउंडनेस और इसका एम होता है कि कंसिस्टेंसी को अचीव करे वैलिडिटी को कम्प्लीटनेस और साउंडनेस को अचीव करे ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ लीगल राइटिंग हैज बीन लेबल्ड रीडर अनफ्रेंडली जो लीगल राइटिंग का ट्रेडिशनल स्टाइल है वो जो है रीडर अनफ्रेंडली टाइप का होता है इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं बिजनेस इंग्लिश नेक्स्ट है बिजनेस इंग्लिश बिजनेस इंग्लिश इज द टाइप ऑफ इंग्लिश यूज इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट सच एज इंटरनेशनल ट्रेड कॉमर्स फाइनेंस इंश्योरेंस बुकिंग एंड मैनी ऑफिस सेटिंग्स बिजनेस इंग्लिश इंग्लिश की वो टाइप होती है जिसको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड में कॉमर्स में फाइनेंस में इंश्योरेंस में बुकिंग में या कई सारे ऑफिस सेटिंग्स में इसको यूज किया जाता है जनरल इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश सर्व डिफरेंट पर जनरल इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश दोनों अलग अलग परपज को पूरा करते हैं यू कैन से बाय द फॉलोइंग लाइन जनरल इंग्लिश फोकसेस मोर ऑन द डे टू डे कन्वर्सेशन एंड इन्वॉल्व द यूज ऑफ बेसिक ओ एंड ग्रामर इट लीन्स मोर ऑन कैजुअल टोन देखिए जनरल इंग्लिश जो होता है वो डे टू डे कन्वर्सेशन पर बेस्ड होता है और इसके साथ में वो बेसिक वोकेबलरी या ग्रामर को यूज करता है इन्वॉल्व करता है और जनरल इंग्लिश का जो टोन होता है वो कैजुअल टोन उसमें कैजुअल टोन ज़्यादा होता है वाइल बिजनेस इंग्लिश इज मोर एक्सटेंसिव एंड स्पेसिफिक इंग्लिस इट इज़ मेनली यूज एज अ लैंग्वेज टूल फॉर बिजनेस एज इट इज़ अप्लाइड इन मोर प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट बिजनेस इंग्लिश जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है स्पेसिफिक होता है और ये जो है इसको बिजनेस के लिए एक लैंग्वेज टूल के रूप में यूज किया जाता है जो कि किसी भी प्रोफेशनल कॉन्टेक्सट में अप्लाई किया जाता है या अप्लाई किया जा सकता है द लेवल ऑफ़ बिजनेस इंग्लिश सी वन मीन्स एडवांस्ड लेवल जो बिजनेस इंग्लिश का लेवल है वो सी वन लेवल है एडवांस्ड लेवल है एट द सी वन लेवल यू कैन यूज मोस्ट ईडियम्स विद ईज एंड योर ग्रामर साउंडस नेचुरल सी वन लेवल पर जब आप पहुंच जाते हो तो वहां पर आप किसी भी ईडियम्स या फ्रेजेज को आसानी से यूज कर सकते हो एंड योर ग्रामर साउंडस नैचुरल और आपकी ग्रामर साउंडस नैचुरल लगती है आपकी ग्रामर जो है नेचुरल सा बिल्कुल नेचुरल लगती है इफ़ यू हैव सी वन स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज यू हैव लाइकली ऑफ बिजनेस लेवल इंग्लिश प्रोफेसेंसी अगर आपके पास इंग्लिश में सी वन लेवल की स्किल्स है है ना तो आप जो है एक बिजनेस लेवल इंग्लिश प्रोफेसेंसी को आ, अचीव कर लिए हो होम्प्लॉइज विद सी वन लेबल इंग्लिश कैन कम्युनिकेट वेल विद क्लाइंट्स एंड कोवर्कर्स एंड आर एंड एक्सीलेंट असेट वन डीलिंग विद मल्टी लिंगुल पार्टनर्स ये करें इम्प्लाईज सी वन ऐसे इम्प्लाईज जिनके पास सी वन लेवल की इंग्लिश है वो किसी भी क्लाइंट से किसी भी कोवर्कर से एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और मल्टी लिंगल पार्टनर के भी साथ डीलिंग कर सकते हैं विद फुल विद फुल बिजनेस इंग्लिश प्रोफेशनसी यू विल बी एबल टू एक्सप्ल एवरीथिंग इन इंग्लिश डेट यू वुड इन योर नेटिव लैंग्वेज इंक्लूडिंग टेक्निकल टर्म्स एंड डे टू डे जॉर्जॉन्स देखिए अगर आपके पास फुल इंग्लिश लेवल की प्रोफेसियंसी है फुल बिजनेस इंग्लिश प्रोफेसेंसी है तो आप किसी भी चीज़ को इंग्लिश में एक्सप्लन कर सकते हैं जैसे आप नेटिव लैंग्वेज में एक्सप्लन करते हैं है ना और इसमें जो है टेक्निकल टर्म्स को यूज कर सकते हैं डे टू डे जॉर्जॉन्स को भी यूज कर सकते हैं सिक्स लैंग्वेज प्रोफ़िशिएंसी लेबल्स हैं जिनकी हेल्प से जो है बिजनेस इंग्लिश स्किल्स को मेजर किया जाता है ए वन लेबल बिगनर ए टू लेवल एलिमेंटरी बी वन इंटरमीडिएट बी टू लेवल अपर इंटरमीडिएट सी वन लेबल एडवांसड सी टू लेवल प्रोफिशियंट ये सी ई एफ आर के द्वारा डिसाइड किया गया है सी ई एफ आर मीन्स कॉमन यूरोपियन फ्रेगमेंट ऑफ रिफरेंस सॉरी कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रिफरेंस फॉर लैंग्वेज कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रिफरेंस लैंग्वेज इसके बाद में लास्ट टॉपिक है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज एज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी इस्टेट्स विद दियर डिफरेंट लैंग्वेज देखिए इंडिया में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है जैसा कि इंडिया जो है डिफरेंट लैंग्वेज का है ना कई सारे इस्टेट्स इंडिया में कई सारे इस्टेट्स हैं और हर स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेज होती है पीपल ऑफ हीच इस्टेट्स इस्पीक रीजनल लैंग्वेज हर स्टेट्स के लोग रीजनल लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज को अपनी जो मातृभाषा है उसको बोलते हैं इंग्लिश क्रिएट्स द लिंक अमंग द पीपल ऑफ़ डिफरेंट लैंग्वेज इंग्लिश जो है इन डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों के डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है ये जो डिफरेंट लैंग्वेज जो आ, हर स्टेट्स के लोग होते हैं सबके अलग अलग भाषा है इनके बीच में इंग्लिश है जो कि कॉमन भाषा के रूप में कॉमन लैंग्वेज के रूप में काम करती है एज हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज बट इन साउथ इंडिया हिंदी इज नॉट स्पोकन इट इज स्पोकन इन नॉर्थ इंडिया ओनली जैसा कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है लेकिन साउथ इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती है हिंदी केवल नॉर्थ इंडिया में ही बोली जाती है देअर फोर इंग्लिश हैज बिकम द सेकेंड लैंग्वेज इसलिए इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बन गई है इन दिस टाइम ऑफ इंटरनेट इंग्लिश हैज़ बिकम मोर पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इंटरनेट के इस समय में इस ज़माने में इंग्लिश जो है लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और भारत के लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई है आफ्टर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन मैन टू क्वेश्चन आर ब्रिटेन से फ्रीडम के बाद में दो तरह के क्वेश्चन सामने आए वन दफ़ इंग्लिस एक तो इंग्लिश का स्टेटस क्या एंड सेकेंड रिलेशनशिप ऑफ इंग्लिश इंग्लिस की इंग्लिश के प्रति रिलेशनशिप कैसा रहना चाहिए दोज हु न्यू इंग्लिश डिमांडेड इंग्लिश ऐसे लोग जिन जो कि इंग्लिश जानते थे उन्होंने इंग्लिश का डिमांड किया और जो नहीं जानते थे उन्होंने नहीं किया द टीचिंग ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश इज कम्पल्सरी इन मोस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज देखिए इंग्लिश और हिंदी को टीच कराना कई सारे स्टेट्स और कई सारे टेरिटरीज यूनियन टेरिटरीज में ये कंपल्सरी हो गया है इंग्लिश was मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द ईयर ऑफ 1835 during the ड्यूरिंग द William ऑफ बिलियम बेंटिंग 1835. English थर्टी इंग्लिश को इंडिया में 1835 में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई बिलियम बेंटिंग के शासनकाल के दौरान बिलियम बेंटिंग का टेन्यूर कॉल टेन्यूर टाइम था 1828 ट्वेंटी थर्टी फाइव अट्ठारह सौ अट्ठाईस से अट्ठारह सौ पैंतीस द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और यह विलियम बेंटिंग इंडिया के गवर्नर जनरल थे बाय थॉमस बेबिंगटन मैकॉले और यह थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के सजेशंस पर बेस्ड था और इन्होंने एक बुक लिखी मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन इन एटीन थर्टी फाइव इंडियन मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन नाम की एक बुक लिखी थी 1835 सौ पैंतीस में इसके बाद देखिए इंग्लिश इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड अब इंग्लिश केवल इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज के रूप में अगर कोई है तो वो है इंग्लिश मोर देन थ्री फिफ्टी मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश एज द फर्स्ट और प्राइमरी लैंग्वेज इंक्लूड्स कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया बर्मुडा कैनाडा ऑस्ट्रेलिया सॉरी आयरलैंड न्यूजीलैंड सिंगापुर साउथ अफ्रीका यू एंड यू यूएस इंग्लिश जो है वर्ल्ड में एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज के रूप में सामने आई है और 350 मिलियन से ज़्यादा लोग इंग्लिश को फर्स्ट या प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं और इसमें कुछ कंट्री हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया बर्मुडा कैनाडा आयरलैंड न्यूजीलैंड सिंगापुर साउथ अफ्रीका यू एंड यू एस मोर देन फोर मिलियन पीपल स्पीक इट एज अ सेकेंड लैंग्वेज इंक्लूडेड कंट्रीज फिजी इंडिया केन्या फिलीपींस श्रीलंका सूडान पाकिस्तान युगांडो, जिम्बाब्वे और 430 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं लगभग 430 मिलियन लोग इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं इसमें कुछ इसमें कंट्रीज़ के हैं नेम हैं कौन कौन से कंट्री हैं फिजी इंडिया केन्या फिलीपींस श्रीलंका सूडान पाकिस्तान युगांडो जिम्बाब्वे द इम्पोर्टेंट द इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश नाव इज़ वेरी नेसेसरी फॉर बोथ इंग्लिश को सीखना इस समय जो है आजकल के समय में इंग्लिश को सीखना इसलिए ज़रूरी हो गया दोनों ही पर्पज़ से करियर वाइज भी और जो एजुकेशन वाइज यानी कि करियर और एजुकेशन दोनों पर्पज़ से ही इंग्लिश सीखना कंपलसरी इंग्लिश सीखना एक ज़रूरी हो गया है ओके सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट प्रजेंटेशन ऑन ई I hope you got it. Thank you.